हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डे शेड्यू सर्कल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में जीके के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, ऑप्शन बी दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन डी पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24। भारतीय राष्ट्रध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या 24 है, ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी 4:3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3:2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3:2। तो भारतीय राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा है? ऑप्शन ए 48 सेकंड, ऑप्शन बी 50 सेकंड, ऑप्शन सी 52 सेकंड और ऑप्शन डी 54 सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 52 सेकंड। ठीक है, तो राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा 52 सेकंड का है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रगान के रचयिता हैं? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्ता पार्षद और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।